दोस्तों नमस्कार नमस्कार बनारस नमस्कार। तो आप लोग तो खैर मुझे फूल माला से वेलकम करते हो, लेकिन मैं बनारस की धरती को सत सत झुक के नमन करता हूँ कि इस धरती ने मेरी जिंदगी बदली। ये वो धरती है जहां पे बोला जाता है कि जिस इंसान ने सच्ची नियत के साथ किसी भी चीज की शुरुआत कर ली तो ये धरती उसको फल जरूर देता है। यस या नो? यस या नो? अरे धरती लोगों को प्रधानमंत्री बना सकती है तो हाँ ना। और इसके सबसे ज्यादा हकदार आप लोग हैं, इसलिए अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि इस धरती की ताकत आपसे जुड़ी हुई है। आपने चाहा था कि बनारस की धरती में 24 महीने बाद एक भूचाल आने वाला है, और मैं तो बोल रहा हूँ भूचाल नहीं, आप लोगों ने तो भूकंप ला दिया पूरे बनारस में। अभी तो 25% भीड़ को भी मैंने अलाउ नहीं किया था इसके फंक्शन में। मेरे पास अभी बहुत सारे फोन आ रहे थे, बोले सर कुछ लोग लाइव दिखा रहे हैं, सर मुझे मतलब मन कर रहा है कि लाके यहाँ खड़े हो जाएं। ये तो यहाँ के मैनेजमेंट ने रोक लगाया होगा, नहीं तो सोच लो 25% भी भीड़ ये नहीं है। जब 100% भीड़ आ जाएगी तो लगता नहीं कि बनारस का कोई भी हॉल उसको संभाल सकता है। यस या नो? तो दोस्तों वाकई में इस कार्य की शुरुआत, इस सफर की शुरुआत आज से 24-25 महीना पहले जिस सोच के साथ किया था, और आप लोगों की जोश और आप लोगों की एनर्जी को देखने के बाद लग रहा है कि आज वो सफर सफर नहीं, एक बहुत बड़ा क्रांति बन चुका है। बनारस ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में क्रांति बन चुकी है, और उसकी आगाज इस बनारस धरती से हुई थी। इसलिए आप बनारस वालों बड़े शुक्रगुजार हो, आप लोग तालियों के जोरदार पात्र हो, एक शानदार ताली अपने लिए जरूर बजा देना। थैंक यू। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए हैं? काफी लोग। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए होंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं, हालांकि मैंने कोशिश किया था शुरुआत में आपको कंपनी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की जहां से आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी बातें चल रही होगी कि यार आखिर ये क्या प्लेटफॉर्म है, आखिर लोग यहां पे पैसे की बात कर रहे हैं, कोई फूल माला से वेलकम किया जा रहा है, ये चल क्या रहा है, बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। यस या नो? तो मैं शुरुआत में नए लोगों से बात कर लूंगा, क्योंकि पुराने लोगों से तो हमारी हमेशा बातचीत होते रहती है। आपको लग रहा होगा कि आखिर इन लोगों को स्टेज पर बुला के फूल माला बुक्के क्यों दिया जा रहा है, वाकई में ये बुक्के के हकदार है या नहीं है। यस या नो? ये दिमाग में डाउट आपके आ रहा होगा, और मुझे पता है ये 100% आ रहा होगा, क्योंकि कई जगह मैं गया हूँ, कई जगह तो ऐसा भी होता है कि लोगों के दिल में बात नहीं होती है तो लास्ट में निकल निकलते बोल देते हैं, सर मैं तो सोच रहा था ये सबने ड्रामा वाले हैं। तो आज अपनी बात शुरू करने से पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, और ये हमें समझना पड़ेगा कि आखिर जो काम है स्लीपियस वेलनेस, ये वाकई में क्या काम है। क्योंकि दोस्तों कंपनियां आपने हजारों देखी होगी, मुझे पता है बनारस की धरती ने हिंदुस्तान के धरती के किसी भी क्षेत्र में बसा हुआ इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत पहले से जानता होगा। आज वो वक्त नहीं है जो कोई ये बात बोल सके यार मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है, हजारों लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखे हैं, किसी को आबाद होते हुए भी देखा होगा, लेकिन मैक्सिमम जब मार्केट में जाते हैं तो आज हालत और सिचुएशन ऐसी बन चुकी है। अभी हमारा एक डायमंड बोल रहा था घर वाले विरोध कर रहे हैं, तो घर वाले तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि घर वालों ने इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों को बर्बाद हुए देखा है। ऐसे अनु तो समझना पड़ेगा कि आखिर ये स्लीपियस इंडस्ट्री क्या है। जो लोग पहली बार स्लीपियस से मिल रहे हो, मेरे से भी पहली बार मिल रहे होंगे। ऐसे अनु अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आज मैं पहली बार मिल रहा हूं? बहुत सारे लोग। दोस्तों अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, माई सेल्फ अमित दुबे, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ झारखंड से। मैं बनारस की धरती में आया हुआ था एजुकेशन लेने के लिए, और जैसा सारे लोगों का सपना होता है कि पढ़ लिख के एक अच्छा सा काम करना, एक अच्छी सी नौकरी लेनी, कुछ भी पैसे कमाना, माँ बाप का नाम रोशन करना, तो यकीन मानो मेरी भी वैसी कुछ इच्छा थी। मैं भी आप ही लोग जैसा विचारधारा लेके आया हुआ था। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है इस इंडस्ट्री के अंदर एजुकेटेड लोग नहीं आते, और मैं बताऊं मेरा आने का मकसद ही ये था कि सोच को बदलना है। मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही है,
बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतनी अच्छी जरूर रही है कि पहला क्लास से लेके ग्रेजुएट तक, पीजी तक मैंने कभी भी 90% नीचे कभी नंबर स्कोर किए नहीं है। इतनी ठीक ठाक जरूर मेरी एजुकेशन रही थी। मेरे पिताजी एक किसान है, इसलिए मेरी मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो मैंने स्कॉलरशिप अचीव करके की है। मैं जब भी कोई भी एग्जाम देता था, मेरा शुरू से ही बचपन से कॉन्फिडेंस था कि अगर दो सीट है तो एक मेरा होगा और एक सीट है तो वो एक मेरा होगा। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर शुरू से ही था। तो आप सोच सकते हैं अगर पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होता है तो आज के समय में किसी भी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी खींचना, नौकरी लूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यस या नो? तो मेरी भी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। 12th क्लास पास आउट करने के बाद मैंने MBBS का एग्जाम क्रैक किया था और ये इतिहास था कि पूरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में पहला शख्स था जिसने 12th के पास MBBS का एग्जाम क्रैक किया था। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, आज भी पेपर में आया हुआ था। अच्छा, मजे की बात यह है, आज हम हेल्थ के साथ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज हमारे एरिया के ये भी हैं, ऐसे भी हैं जिनको अभी भी नहीं पता ये क्या कर रहा है। होंडा सिटी देख के लोग ये समझते हैं कि यार ये तो डॉक्टर बन गया है। एजुकेशन मेरी बहुत ठीक ठाक रही थी, बहुत अच्छी रही थी, लेकिन फिर भी आज आपके सामने SLPS वेलनेस को मैं एज ए करियर करता हूं, मैं फुल टाइम इस बिजनेस में काम करता हूं, तो वजह क्या है ये समझना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने से बड़े प्लेटफॉर्म को चूज करता है, कभी नीचे गिरने की कोशिश नहीं करता। करता है क्या? कभी भी नहीं करता। तो मैंने वहां से अगर इस प्लेटफॉर्म को अपना करियर बनाने का अगर सोचा है और बनाया, इसका मतलब कुछ ऐसी बात थी इस प्लेटफॉर्म में जो शायद अभी बैठने के बाद आपको समझ में नहीं आई होगी, वो बात हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमें बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है, मुझे बताया गया था कि बेटा पढ़ लिख के तुझे एक अच्छी सी नौकरी करनी है, लेकिन पता नहीं क्या था, नौकरी मुझे पहले से ही हजम नहीं होता था। तो मैंने सोचा था कि मैं अगर डॉक्टर बन जाऊंगा तो अपनी क्लिनिक खोलूंगा, साला कोई ऊपर से ऑर्डर तो नहीं देगा। उस समय इस सोच के साथ मैं उस प्रोफेशन में था, लेकिन जब मैं बाहर निकला और पढ़ाई के समय में यह देख रहा था कि आज जिस प्रोफेशन को मैं बहुत बड़ा मान के चल रहा था, जिस प्लेटफॉर्म को मैं आगे लेके चल रहा था, वहां से भी कुछ आगे करने की सोच जब डेवलप हो गई तो एक डिसीजन इंसान के मन में बनता है। आप देखिए, दुनिया में पैसे कमाने के लिए हर इंसान मर्जी से या मजबूरी से दो तरह का काम कर जाता है, या तो गलत काम कर जाता है या तो अच्छा काम कर जाता है। हाँ या ना? यस या नो? अगर आप किसी को दिल दुखाते हो, किसी को लूट के अगर पैसे कमाते हो, तो आप कितनी भी शान शौकत से रह लो, आपका दिल कभी सुकून से नहीं रहेगा, अंदर बेचैनी बनी रहेगी। हाँ या ना? इसलिए आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे शूटर होते हैं करोड़ों रुपए लेते हैं, किसी को मार लेते हैं, लेकिन जिंदगी में उनकी कभी भी दिमाग में शांति नहीं होती और ऐसे लोगों की मौत बहुत दर्दनाक होती है। हाँ या ना? मुझे लगा था यार बिजनेस एक ऐसा वर्ल्ड है जिस बिजनेस वर्ल्ड में अगर मैं काम कर लेता हूं तो यहां पे बहुत अच्छे तरह से तरक्की की जा सकती है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैंने एक चीज देखा था कि आज धंधे में, बिजनेस में एक इंसान अपनी ग्रोथ करने के लिए दूसरे का गला काटने पे लगा हुआ है। आज हालत और सिचुएशन ऐसी खराब हो चुकी है कि अगर दो भाई एक धंधे में आ जाते हैं तो बड़ा भाई कभी नहीं चाहता कि छोटे का धंधा हो, और छोटा भाई कभी नहीं चाहता कि बड़े का धंधा हो। तो लगा था कि यार इस बिजनेस वगैरह से तो अच्छा है कोई नौकरी कर लिया जाए, कोई नौकरी करके काम गुजारा जाए। लेकिन दोस्तों पता नहीं कौन सी ऐसी चीज थी जो अंदर से बात जगी, और मैं तो बोलता हूं ये हर हर महादेव की कृपा है, क्योंकि महादेव की कृपा जिसके ऊपर होती है उसकी आत्मा से आवाज आता है, और मेरे आत्मा से एक आवाज आई थी कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहता है तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज कर ले, कुछ ऐसे जगह से अपने आप को उठाने की शुरुआत कर जहां पे तेरे अलावा हजारों लोगों की करियर बदल सके। दोस्तों मैं गरीब फैमिली से था, मुझे नहीं पता था कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब मैंने देखा और जब मैंने जाना तो एक बात समझ में आई थी कि दुनिया में आज अगर आपको पैसे कमाना है करोड़ों रुपए मार्केट में लगाना पड़ेगा, नॉर्मल लोगों को आगे बढ़ाना है उनकी एजुकेशन बहुत हाई क्लास के लेके जाने पड़ेगी, गिरे कुचले दबे लोगों को उठाने के लिए आज तक दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज तक इतिहास गवाह है कि नीचे के लोग हमेशा ऊपर वालों से कुचला दिया करते थे, कोई उनको ऊपर नहीं उठाता, पैरों तले लोग रोंगटे
लोन दिया करते थे लेकिन कोई उठाने का काम नहीं करता था। एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिखाई दिया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिस प्लेटफॉर्म में आज एक गरीब से गरीब इंसान को वादा करके हम ऊपर उठा सकते हैं। एक इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बात मेरे दिल में लग गई थी। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए एक मुहिम चाहिए, एक आंदोलन चाहिए, और वो आंदोलन का साथ दिया इसलिए पियर्स ने। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा हम लोग क्या काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे जब बातें आ रही थी यार उसका पैसा लगा दिया, अरे उसका पैसा लगा दिया, वो पैसा मांगने गया था, ये बात वो लोग दूसरी कंपनी की कर रहे थे। इसलिए पियर्स में लोगों ने क्या काम किया मैं आपको बताना चाहूंगा। आज पूरे समाज की सबसे बड़ी जो समस्या है दोस्त, वो पैसा नहीं रह गई। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, अनचाही बीमारियां, बेवजह मौत लोगों को आ जा रही है, रातों रात लोगों की किडनियां फेल हो जा रही है, रातों रात लोगों का लीवर डैमेज हो जा रहा है, ऐसी सिचुएशन आज समाज में आ चुकी है। लोग परेशान हो चुके इन बीमारियों से। अच्छे अच्छे करोड़पति लोगों को आपने देखा होगा, पॉकेट में करोड़ों रुपए है लेकिन घुटने का दर्द है, जगवार घर में रखा हुआ है लेकिन उसका एक्सलेटर नहीं दबा सकते, गाड़ी को चला नहीं सकते। यानी अगर शरीर का सुख ना हो तो धन का भी सुख कोई भोग नहीं सकता। यस या नो? यस या नो? आज हमारे और आपके घरों में किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, किसी की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सारे लोग एक ही उपाय करते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। पैसा कितना भी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन बेच देंगे, गहने गिरवी रख देंगे, लेकिन हमारे आपके घरों में किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, हम इतने इमोशनल लोग हैं उसको मरने नहीं देते। यस या नो? यस या नो? यस या नो? एक अच्छा काम था, उस काम में मैं जा रहा था, इसलिए मैंने MBBS की पढ़ाई को चूज किया था। लेकिन दोस्तों आज आप देखिए, जिस काम को दुनिया का सबसे पवित्र काम माना जाता है, उस काम को लोगों ने गंदा कर दिया। आए दिन आपने देखा होगा कि गरीब से गरीब इंसान एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, लेकिन ये डॉक्टर तब तक उनको अंदर नहीं लेके जाते जब तक कि 1,000-2,000 लेके वो पर्ची ना कटाए। यस या नो? यस या नो? आप बताइए, लोग हर जगह से परेशान हो जाते हैं तो एम्स और फोर्टी जैसे हॉस्पिटल में लेके अपने घर वालों को जाते हैं, लेकिन सोचिए कैसा बीतता होगा इंसान के दिल पे जब आए दिन ये न्यूज देखने के लिए मिलता है कि अपोलो और फोर्टी जैसे हॉस्पिटल में किडनी का रैकेट पकड़ा गया। कैसा लगता होगा? ऐसे पैसा कमा रहे हैं लोग जिनको हम रिपोर्टेड बोलते हैं, जिस प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए आपके बच्चे दिन रात तक करते हैं, उस प्लेटफॉर्म की ऐसी हालत है कि आपके घरों में कभी माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती होंगी, आप हॉस्पिटल में चला जाना, भाई साहब विदेशों में जो ऑपरेशन होता है हस्बैंड को साथ में रख के पूरा डिलीवरी किया जाता है, लेकिन यहां पे हिंदुस्तान में हस्बैंड को बाहर निकाल दिया जाता और कभी भी नॉर्मल ऑपरेशन आज के समय में नहीं होता। क्यों पता है? नॉर्मल ऑपरेशन 6,000 में हो जाएगा और बच्चे को अगर काट के निकाला जाएगा तो 36,000 का बिल बनेगा। अरे सोचो, 30,000 के लालच में ये पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के लोगों का पेट फाड़ दे रहे हैं, माताओं बहनों का पेट फाड़ दे रहे हैं, इतने गिर चुका है ये चीज, ऐसी हालत हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म। आपने देखा है नहीं देखा है, लेकिन मैंने देखा आपके बनारस की धरती में, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटलों में देखा है कि पेशेंट 2 दिन पहले मर चुका था लेकिन मुर्दे को फालतू की ऊपर से स्विच ऑफ किया हुआ यंत्र लगा के बेवकूफ बनाया जाता है कि भैया 2 दिन तक पेशेंट जिंदा था। लोग मुर्दे को भी नहीं छोड़ते, मुर्दे से भी पैसा कमा रहे हैं, इतनी गिर चुकी है व्यवसाय, ऐसी हालत हो चुकी है। सामने वाला यह सोचता है यार कुछ भी हो जाए पैसा ही जा रहा है सामने वाले की जान बच जाए, लेकिन आज इंसान इंसान को काटने में लगा हुआ है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं बची, ऐसा गिर चुका है समाज, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। लोग बोलते हैं यार खाना पीना अच्छा खा लिया जाए तो शायद बीमारी नहीं होगी, लेकिन मेरे दोस्त आज खाने पीने में भी लोगों को जहर मिलाने में शर्म नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चे जिसने दुनिया को अभी तक अच्छे से देखा भी नहीं है, उस बच्चे का दूध बनाने के लिए लोग केमिकल यूज करते हैं। आज कोई ऐसी गाय नहीं है जिन गायों को दूहने के लिए इंजेक्शन का सहारा ना लिया जाता हो, ऐसी हालत हो चुकी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिसको हम सलमान खान शाहरुख खान बोलते हैं, इनकी पैसे कमाने का तरीका देखो, ये लोग कोका कोला मिरिंडा का प्रचार कर देते हैं,
हम सब का प्रचार करता है टेस्ट द थंडर, साला 2 करोड़ रुपया दो, ये तो जहर बेचने के लिए तैयार है। घर घर में बसता है केसर केसर की बूंद, पान बाहर पान मसाला, 2 रुपए में केसर का गंध भी ना मिले, मिलेगा क्या? लेकिन इनको पैसा दे दो, पान बाहर में भी केसर का गंध ला देंगे। सोचो कैसे पैसा कमा रहे हैं लोग, कैसे लोगों की मेंटेलिटी गिर चुकी है, सोचना ही नहीं है। इंजेक्शन, घी में इंजेक्शन डाल देना, मिर्च पाउडर में लोग ईट पीस के डाल दे रहे हैं, घोड़े गधे की लीद तक मिला देते हैं धनिया पाउडर में, ऐसे लोग पैसा कमा रहे हैं। यस या नो? यस या नो? इंसानियत लोगों की मर चुकी है, उनको नहीं पता कि इस पैसे को, इस खाने को खाने के बाद एक छोटा बच्चा भी उसको खाता होगा, एक माँ भी खाती होगी, कितने लोगों की लीवर खराब होगी, कितने लोगों का पेट खराब होगा, कितने लोगों को कैंसर होने वाला है। इस बात से इंसान को कोई लेना देना नहीं है, पैसे कमाने के चक्कर में लोग अंधे हो चुके हैं। यह है समाज की सिचुएशन, और यह सिचुएशन मैंने देखा था और मैं खोज रहा था कि भगवान एक मौका दे दे, इस सिचुएशन को बदल के रख देंगे। और दोस्तों यही वो मौका है एसलीपीएस के माध्यम से आज से लगभग 24 महीना पहले है। मैं बताना चाहता हूं हम लोग क्या काम करते हैं, और हमारे ये लोग जो यहां पे फूल माला और चेक लिए हैं, आप खुद बताना कि असली चेक के हकदार ये हैं या वो सेलिब्रिटी जो बोलते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, जहर बेच के पैसा कमाते हैं। आप खुद बताना कौन असली चेक के हकदार। हमारे ये लोग जो आज यहां पे आए हुए थे मेरे दोस्त, ये लोग क्या करते हैं, हम लोग घर घर जाते हैं, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। अरे आप बताओ, अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? अरे पीछे वालों, अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? अरे हाथ उठा के बताओ, अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? ये काम है हमारा, ये काम है हमारा। यहां बैठा शख्स कोई भी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अरे ये तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है आपसे, क्योंकि आपने देखा कि आपसे पहले इन लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज किया था और इस प्रोडक्ट में रिजल्ट आए हैं, तब अपनी सच्ची दिल की बात लोगों को बताते हैं। सलमान खान बोलता है रिवाइटल खाओ मेरे जैसा तंदुरुस्त हो जाओ, साले ने एक गोली भी नहीं खाया होगा। यस या नो? यस या नो? लेकिन ये लोग पहले उस प्रोडक्ट को खुद पीते हैं, जब रिजल्ट आता है तो अपनी रिजल्ट लोगों को शेयर करते हैं। हमारे लोग आयुर्वेद, जो हिंदुस्तान की प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, हिंदुस्तान के लोग जिस आयुर्वेद को भूल चुके थे, उस आयुर्वेद को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम करते हैं। आप बताइए, अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? मेरे दोस्त, जब से एसलीपीएस की शुरुआत मैंने किया था, मैंने एक ही चीज माना था कि भैया ये तो बिजनेस नहीं, ये तो क्रांति है, क्रांति। और जब तक जीऊंगा हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस क्रांति को लेके जाऊंगा, और साथ दिया आप लोगों ने, आज लोगों के सामने क्रांति आई, आज क्रांति आई, ये काम है हमारा। अरे सोचिए, पैसे की बात दूर, लेकिन कितना अच्छा लग रहा होगा जब वो लड़का स्टेज पे आया, बोला मेरी लीवर की प्रॉब्लम थी, मैं खाना नहीं खा पाता था, लेकिन थैंक्स इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मैं आज खाना खा पा रहा हूं। शायद इस चीज के पीछे मैं तो 2 करोड़ रुपए को भी लात मार दूं, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। आप सोचिए कैसा लगता होगा जब आपने किसी को एडवाइस दिया था, किसी के घुटने के दर्द सही हो गए, किसी के डायबिटीज कंट्रोल हो गई, डॉक्टर साहब जिससे 5 लाख रुपए रखने वाले थे, बेंगलोर से हमने वैसे लोगों को बुलाया था, और आज 10,000 में उनकी तबीयत सही हो गई, उनकी हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती थी। ऐसे ऐसे लोग जिनको शादी की हुई, किसी को 17 साल, किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, किसी को 4 साल, 65 रिजल्ट है आपके बनारस की धरती पे, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, और यही लोग उनके पास गए थे और रिजल्ट आ गया। आप बताओ, अगर आपके कारण इतने सारे लोगों की लाइफ में बदलाव हो जाता है, और किसी की उम्र अगर 10 साल बढ़ जाती है, तो अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? ये काम है हमारा, ये काम है हमारा। अंदर से खुशी मिलती है, दिल में अच्छा लगता है, जहां पे आज सिचुएशन ऐसी है 10 रुपए में कोई पेशेंट सही हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब 1,000 का बिल बनाते हैं। मैं 100% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 40-50% जगहों पे हालत ऐसी हो चुकी है। मेरे अभी बहुत सारे दोस्त प्रैक्टिस में आ चुके हैं एमबीबीएस करने के बाद, मैं उनसे कभी बातचीत होती है,
अभी बरसात का मौसम आया था, मैंने फोन किया और यार क्या चल रहा है, बोले यार अभी बात करने का समय नहीं, अभी तो सीजन चल रहा है। क्या बोलते हैं? आपकी मौत को लोग सीजन का नाम देते हैं, इससे गिरा हुआ इंसान और किसको बोल सकते हो। उन लोगों के विरोध में एक जंग छेड़ा, इसलिए थी उसने ये जंग है। हिंदुस्तान के बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। आपने सोचा होगा यार इस कंपनी ने आखिरी नाम लोगों को क्यों बोला, भैया आप मेरे प्रोडक्ट को लेके वापस चले जाओ, लोगों को बताओ क्यों बोला। मैं बताऊं, क्योंकि हमने देखा था कि आज जो काम और जिस सच्चाई के साथ ये आम इंसान बातें कर सकता है, ये सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय नहीं कर सकते। इनको क्या चाहिए? पैसा। पैसा दे दो, लक्स हो जाएगा खूबसूरती का राज, पैसा दे दो हवाम हो जाएगा खूबसूरती का राज। यस या नो? यस या नो? लेकिन ये आम जनता, ये आम पब्लिक, इनको कितने भी रुपए दे दो, जो चीज इनकी खूबसूरती का राज होगा वो बोलेंगे, और जो नहीं होगा वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो ताकत इस आवाम में है, दुनिया की किसी चीज में उतनी बड़ी ताकत नहीं है। यस या नो? इसलिए कंपनी ने आपको मौका दिया। ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिन लोग, जिस चीज के बारे में लोग अभी बातचीत कर रहे थे, ये इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोगों ने हवा बना दिया इस इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान ने हवा बना दिया इस इंडस्ट्री को। लोग बोलते थे सर 7 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोग बोलते थे 10 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोग बोलते थे 5 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक ही चीज सोचा था, अगर सही प्लेटफॉर्म है तो 10 साल की स्ट्रगल नहीं होगी। आपके टॉप लीडर जो आगे बैठे हुए हैं, ये वो लोग है जिससे मैं पर्सनल मिला हूं, इनके साथ मैंने प्लान दिखाया है, इनको भरोसा दिलाया था कि आयुर्वेद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर आयुर्वेद का तू साथ दिया तो हिंदुस्तान की ताकत जरूर रंग आएगी, और आज रंग लाया। यस या नो? यस या नो? आज रंग लाया। लोग बोलते थे 4 साल में जिंदगी बदलती है, लोग बोलते थे 5 साल में जिंदगी बदलती है, मैं बोला जिंदगी 4 साल 5 साल नहीं, अगर सच्ची नियत और सच्चे लगन से बदलने की कोशिश किया जाए तो 2 साल के अंदर जिंदगियां बदल जाती है मेरे दोस्त। और आज हुआ है एसलीपीएस के अंदर, आज एसलीपीएस के अंदर वो चीज हुआ जिस आयुर्वेद को लोग भूल चुके थे। जब हम किसी से आयुर्वेद की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, एक इंसान मेरे से मिला इसी बनारस में और बोला सर हिंदुस्तान में आयुर्वेद बनाने की उच्चतम पद्धति नहीं है। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि जब हिंदुस्तान ने पैदा किया आयुर्वेद की और यहां उच्चतम पद्धति नहीं है तो बता कहां होगा? पाकिस्तान में? कहां हो सकता है? अमेरिका में? इतने डुप्लीकेट लोग हैं हम, सो आप कुछ भी कर देते हैं। अरे अंग्रेज आए, अंग्रेजियत डाल दिया। आज सुबह उठ के चाय पीना सबको अच्छा लगता है, बोल भाई लस्सी पी ले तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। अंग्रेजियत डाल दी गई है कि हमने अपनी जमीन और अपनी मातृभूमि और अपनी चीज को भूल गए। ये आयुर्वेद हिंदुस्तान की अपनी ताकत है। आज अमेरिका अपनी सेना पे नाच करता है, जापान अपनी टेक्नोलॉजी पे नाच करता है, और वही चीज उसको आगे बढ़ाया हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ताकत आयुर्वेद है, और इस बात की गारंटी देता हूं, क्योंकि एसलीपीएस के प्रोडक्ट और एसलीपीएस के MD इतने जबरदस्त है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे, और पूरा वर्ल्ड यूज करने वाला इस आयुर्वेद। अरे आयुर्वेद में इतनी बड़ी ताकत थी, आपने सुना होगा पुराने ग्रंथों में ऐसी कहानी आती थी, या आपने पढ़ा भी होगा इतिहासों में, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, महाराणा प्रताप 60-60 केजी का कवच और 80-80 केजी के तलवार से युद्ध लड़ा करते थे। अरे आप सोचो उनकी वजन कितनी होती होगी, ये ताकत थी आयुर्वेद में। 10 साल तक युद्ध हुआ करता था, लोग युद्ध लड़ते होंगे हाथ कटती नहीं होगी क्या? कटती थी, लेकिन आयुर्वेद इतनी बड़ी ताकत थी कि सुबह लेप लगाया, रात को सोते वक्त लेप लगा दिया जाता था, सुबह तक सही हो जाता था। आज कोई एंटीबायोटिक है क्या? लेकिन उस आयुर्वेद को हम लोग भूल चुके हैं, उस आयुर्वेदिक पद्धति को हम लोग भूल चुके हैं। भरोसा नहीं होता। जब हमने एसलीपीएस की शुरुआत बनारस में किया था, मुझे याद है जब हम शुरुआत में कुछ लोगों से मिलने जाते थे, लोग बोलते थे यार ये फालतू की चीज मुझे मत बताना। कुछ लोगों ने तो ऐसा बोल दिया रिजल्ट आने के बाद भी, इसमें दवा मिलाया हुआ है। लेकिन अपन लोग भी किसी से कम नहीं,
और पढ़े लिखे लोगों का खोपड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा चलता है। यस या नो? यस या नो? मैंने उसी इंसान को बोला निकाल पैसा और लैब में टेस्ट करा के ला, अगर एक भी केमिकल अपने प्रोडक्ट में निकल गया तो एसलीपीएस में काम करना छोड़ दूंगा। साला पैसा वो लगाया, लैब की टेस्ट अपने पास आई और टेस्ट ये आते कि एसलीपीएस की प्रोडक्ट ओरिजिनल है, उस रिजल्ट को दिखा देगा कि पैसा हम लोग कमा गए, इतनी बड़ी ताकत है अपने प्रोडक्ट के अंदर। पहला मोटो अपना ये था कि पूरे हिंदुस्तान को हेल्थ देना, रिजल्ट देना। और आज वक्त बहुत खुशी हुई कि जहां पे हम लोगों के घर जाके ये बातें बताया करते थे, आज पूरे हिंदुस्तान में 40,000 से ज्यादा ऐसे लोग हो चुके हैं जो हर घर में जाके हर घर में लोगों को आयुर्वेद देना शुरू कर दिए हैं। इतनी बड़ी ताकत है। अरे इससे मजे की बात मैं आपको क्या बताऊं, एक बार मेरी तबीयत खराब हुई, मैं डॉक्टर के पास गया, पेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, सब कुछ चेक करने के बाद डॉक्टर ने जो प्रोडक्ट लिखा देख के दिल तार तार हो गया। उस डॉक्टर ने लिखा था लिवोडॉक 20 ml दो टाइम। आप सोचो कितना अच्छा लगा होगा, मुझे ही लिख डाला लिवोडॉक। इतनी आगे तक हमारे जो क्रांति की शुरुआत बनारस की धरती से हुई थी आज जा चुका है और उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। पहली चीज होती है हेल्थ और दूसरी बात आती है वेल्थ। आज हिंदुस्तान में चाहे कोई भी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर किसी की भी अगर आप बात कर लो, 27% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ना कांग्रेस ला पाई, ना बीजेपी ला पाई, ना आने वाले समय में कोई सरकार ला पाएगी, वैकेंसी उससे ज्यादा है ही नहीं। हर साल 1-1 करोड़ लोग मेडिकल करके, इंजीनियरिंग करके, एमए करके, पीएचडी करके बाहर आ रहे मार्केट में और 70 लाख स्टूडेंट हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। 70 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। इतनी हार्ड कंपटीशन हो चुकी है कि हमारे एरिया में पिछली बार दरोगा की बहाली निकली और मैं बताऊं मुझे बड़ी हंसी आई, जितने भी दरोगा सेलेक्ट हुए उसमें 6 बंदे हमारे फ्रेंड थे, पता चला सारे इंटेक करके बैठे हुए थे, लास्ट में दरोगा में निकल गए। आपके लोग बीएससी एमएससी करके कंपीट करेंगे और एमटेक बीटेक करके कंपीट कर रहा है दरोगा के लिए। गैंगमैन 4th ग्रेड की बहाली के लिए बीटेक एमटेक किए हुए लड़के लाइन लगा के बैठे हुए। आप खुद सोच लो, जब ऐसी सिचुएशन इस समाज की आ चुकी है तो कितनी भी जोर लगा लो नौकरी मिल सकता है क्या? मिल सकता है क्या? दो ही रास्ते पैसे कमाने का, या तो नौकरी कर लो या तो बिजनेस कर लो। नौकरी लेने के लिए टैलेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए और हिंदुस्तान में एक और चाहिए, जैक, बहुत जरूरी है। वो नहीं रहा था काम नहीं होता है। यस या नो? बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए। मोदी जी ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया था, पता है आपको? 70 लाख लोगों ने शुरुआत की थी। कितना? 70 लाख लोगों ने शुरुआत की थी। एक साल बाद मात्र 3,000 लोग बचे हैं, बाकी आप समझ सकते हैं 69,000 लोग आउट हो चुके हैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। ये रियल सच्चाई है। कितनी भी जोर लगा ले बिजनेस में, कितनी भी ताकत लगा ले बिजनेस में, लेकिन सक्सेस रेशियो केवल 3% का है। 97% लोग लगभग फेल हो रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर। अच्छी अच्छी शुरुआत, अच्छे से टैलेंटेड लोग जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपसे ज्यादा काबिलियत होगी और वो लोग फेल हो जा रहे हैं। तो एक बात समझ में आई थी, बोला जाता है ना, आप किसी को 2 वक्त की रोटी दे दो, जब तक दोबारा भूख नहीं लगेगा तब तक दुआ देगा। कपड़े दे दो तब तक दुआ देगा जब तक वो कपड़ा ना फट जाए। यस या नो? यस या नो? लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा काम, ये मेरी सोच है और किसी बड़े इंसान ने बोला है, जो सबसे बड़ा काम है वो ये काम है कि अगर आप किसी अनसक्सेसफुल इंसान को अगर सक्सेसफुल बना देते हो, इससे बड़ी दुआ और इससे बड़ा काम दुनिया में कोई भी नहीं है। ये काम हम लोग एसलीपीएस के माध्यम से करते हैं। मैंने देखा मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों को फेल होते हुए, कराहते हुए 7-7, 8-8 साल लड़के टाइम दे दिए, पिताजी अलग डांट रहे हैं, बीवी अलग परेशान है, लोग कमेंट करना शुरू कर दिए। अरे इतना अच्छा प्रोफेशन जहां पे आयुर्वेद देके, जहां पे जिंदगी बना के लोगों का साथ देके करियर बदला जा सकता था, ऐसे प्लेटफॉर्म को कुछ गंदे लोगों ने नरक बना दिया। 10 साल से लोग लगे हुए हैं, जिंदगी बदल जाएगी,
12 साल से लगे हुए हैं, 16 साल से लोग लगे हुए हैं। अरे मैंने 20-20 साल से काम करते हुए लोगों को देखा है जो दो पैसे के लिए तरस रहे हैं। बोला क्या करते हो? नेटवर्किंग करता हूं। बोला क्या करते हो? एमएलएम करता हूं। काहे खाक का एमएलएम हुआ? अरे ये कॉन्सेप्ट बोलता है, अगर 3 साल अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर टाइम दिया तो टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम सब कुछ आनी चाहिए, तो फिर 6 साल 7 साल 8 साल कैसे? एक कमी मुझे समझ में आई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है, हिंदुस्तान के लोग इमोशनल बहुत है, लेकिन एजुकेशन की जो कमी रही, उस एजुकेशन की कमी ने हम सारे हिंदुस्तानियों को मार डाला, पता ही नहीं चला। साला किसी ने सूट बेचवा के लूट डाला, किसी ने टेबल बेचवा के लूट डाला, जिसको जैसे मन किया आज तक एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर आप सबको लूटा गया है। यस या नो? लूटा गया है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आखिर है ये क्या चीज, कौन सा प्लेटफॉर्म है और कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। मैं आपको दिल से बताऊं, एसलीपीएस इंडस्ट्री में जब मैंने काम की शुरुआत की थी, एक डर सा था क्योंकि एक बहुत बड़ा करियर लगाया था, लेकिन अंदर से पता नहीं कौन सी ताकत सपोर्ट कर रही थी, और उसने बोला था कि अगर तूने जो तेरी अचीवमेंट है, अगर उस अचीवमेंट की रियल वैल्यू तेरी मार्केट में तब बनने वाली है जब अपने जैसे हजारों और करोड़ों लोगों को खड़ा कर देता है, तब बनने वाली है। और दोस्तों एक मिशन के साथ मैंने काम किया, आज मैं लोगों से मिलता हूं, आज जगह जगह जाता हूं, घर वाले बोलते हैं पगला गया, इतना पैसा कमा के करेगा क्या, घर में नहीं आता, मैं पिछले 2 साल से घर नहीं गया, मम्मी बोलती है कौन सी नौकरी पकड़ लिया, सारे डॉक्टर के देखते हैं क्लिनिक खोल के बैठा रहता है, तू पता नहीं कौन सी नौकरी पकड़ लिया, कभी सुनती हूँ दिल्ली जाता है, कभी सुनती हूँ अनूपपुर जाता है, कभी बंगाल चला जाता है, कभी उड़के पहुंच जाता है मुंबई, ये कौन सी नौकरी पकड़ लिया। लेकिन मैं क्या बताऊं अपनी मम्मी को कि भैया ये मैंने कोई नौकरी नहीं, ये तो मिशन पकड़ा हूं कि आप एमएलएम इंडस्ट्री में लोगों को तड़पने की जरूरत नहीं है, एसलीपीएस का दामन थाम लो, रॉयल विनर टीम का दामन थाम लो, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा, अब दौर नहीं है छटपटाने का, अब दौर नहीं है छटपटाने का। अकेले शुरुआत किया था दोस्त, लोग बोले थे सर बनारस में माहौल बहुत गंदा है, क्या बोले? बनारस में माहौल बहुत गंदा है। मैंने बोला उसी गंदगी को तो साफ कर, अगर गंगा गंदी नहीं होती तो गंदा गंगा सफाई का अभियान चलता कैसे, चलता क्या? अगर वो गंदी नहीं होती तो सफाई का अभियान चलता कैसे? और मुझे एक बात समझ में आई थी कि यहां के एमएलएम का माहौल गंदा है, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस गंदगी को साफ करना है, लोग अपना साथ देंगे। और दोस्तों आप लोगों ने साथ दिया, आज 24 महीने के अंदर 42,000 से ज्यादा लोग आज हिंदुस्तान में कदम कदम से मिला के मेरा साथ दे रहे हैं, और इसके लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहता हूं आप लोगों से, एक जोरदार तालियां उन लोगों के लिए बताओ जिन लोगों ने इस मुहिम में साथ दिया था। पता नहीं कैरियर लगा दिया है, बनेगा कि नहीं बनेगा, लगता है ऐसा? ऐसे नो? मुझे भी होता था, हम भी तो इंसानी हैं, ऊपर से टपक के पैदा तो नहीं हुए। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं बोल दूं कि यार मुझे कोई डाउट नहीं, सबको डाउट होता है, क्योंकि एक बार में जो इरादे है ना इतनी बुलंद नहीं होती, डाउट हो जाता है, पता नहीं कैरियर बनेगा नहीं बनेगा। मुझे भी कई बार दौर ऐसा आया था जब लगा था पता नहीं कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, मैंने एक ही काम किया, जानना चाहते हो? एक ही काम किया मैंने, अपने अपलाइन का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं गिरूंगा तो एक ही ताकत है जो मुझे संभाल के रखेगी, और वो है हमारे अपलाइन। मैं चाहता हूं हमारे तीनों महागुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए एक जोरदार तालियां बताना, एक जोरदार तालियां मिस्टर महिपाल सर के लिए, एक जोरदार तालियां मिस्टर शिव कुमार सर के लिए, और एक जोरदार तालियां होने चाहिए हम सबके महामहिम मिस्टर संजीव सर के लिए। मैंने अपलाइन को कभी नहीं छोड़ा। लोग बोले कैरियर नहीं बदलेगा, डाउट हमें भी लगा था, लेकिन एक ही चीज थी कि अगर सच्चा काम कर रहे हैं, नियत से कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला करियर जरूर बदलेगा। और दोस्तों 24 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना, जहां से जीरो से शुरुआत हुई थी, आज 24 महीने के अंदर 1,32,00,000 से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ताकत है इसलिए प्यास की, जिंदगी बदलती है सच्चे प्लेटफॉर्म के साथ,
सच्चे भरोसे के साथ आपका सफर सही होना चाहिए। हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उस चाहत को अचीव करने के लिए कुछ त्याग नहीं करना चाहते। हमें यहां पे बैठ के कुछ बातें सुनने में शर्म आती है, घर में जब हालत खराब होती है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, हे भगवान मेरी किस्मत खराब है, कुछ नहीं मिला। अरे ऊपर वाला भी बोलेगा कि साला मेरी किस्मत खराब है, तू जैसा नकारा पैदा किया, मौका तो तुझे भी दिया था, तू उस मौके पे क्या कर रहा था, घूम रहा था इधर उधर। बोल सकता है नहीं बोल सकता है? यस या नो? यस या नो? आज सारे लोगों ने, जिन लोगों ने एसलीपीएस में कदम रख दिया है, एक बात आज से दिल से हटा देना, किस्मत खराब है। क्योंकि किस्मत खराब होती मेरे दोस्त तो आज भी पूरे हिंदुस्तान में अगर 6 लाख लोगों को हटा दिया जाए तो 125 करोड़ की आबादी है, 124 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको एसलीपीएस का प्लान भी मालूम नहीं। सोचो उनकी किस्मत कितनी खराब होगी। यस या नो? आज किस्मत ने साथ दिया है, अब वक्त है आपके डिसीजन को प्रूव करने का। काम करना पड़ेगा, करियर आपकी 100% सुरक्षित है। मैं जब एमबीबीएस से साइड हुआ, मेरे जितने भी प्रोफेसर थे वो सारे प्रोफेसर मेरे ऊपर गुस्साना शुरू कर दिए, बोला तूने बेवकूफी कर दी, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। मैं बोला सर एक बार बेवकूफ बन गया, अब ये बेवकूफी कुछ करके दिखाया गया और करता गया। दोस्तों आज हमारे प्रोफेसर 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम कमाते हैं, लेकिन उनका लड़का जिसने एसलीपीएस का दामा छामा, काम करे या ना करे, कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस महीने मेरे अकाउंट के, कोई ऐसा वीक नहीं होता, महीने की तो बात ही छोड़ दो, कोई ऐसा वीक नहीं होता जिस वीक्स के अंदर अगर एक एवरेज इनकम की बात किया जाए तो 8 से 10 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम आ रही है। ये ताकत है एसलीपीएस की। देखो मुझे नहीं पता लोग अमीर कैसे बनते हैं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब लोग आपकी पीठ के पीछे आपको अपना आइडियल मानने लगे तो आप दिल से तो उसी दिन अमीर बन जाओगे। ऐसे अनु और ये चीज दिया है एसलीपीएस वेलनेस ने। जब आप लोगों की इनकम का जरिया बन जाते हो, आपकी वीडियो दिखा के जब लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो एक चीज मैं बोलता हूं, इससे बड़ा आदमी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। समय, रुतबा और अचीवमेंट की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 12 महीने के अंदर, अभी उम्र 25 साल हो गई, उस समय 24 साल का था, होंडा सिटी टॉप मॉडल गाड़ी जो बाहर खड़ी है, मैंने इसी एसलीपीएस से लिया था, बाहर कहीं से नहीं लिया था। ये थी अचीवमेंट। लेकिन मुझे लगा यार गाड़ी छोटी हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो ऑडी और मर्सिडीज में आ गए, तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। लगा यार जिंदगी तो गरीबी में चल रही है, अपन लोग भी अगर, मैंने देखा ऐश्वर्या राय एक अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रही है, ऋतिक रोशन एक अच्छा गाड़ी मेंटेन कर रहा है, तो मैंने सोचा जब ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं तो अपने को भी होंडा सिटी में चलने का कोई शौक नहीं है। और दोस्तों हिंदुस्तान में मैंने अपनी सबसे महंगी कार जगुआर एक्सेल मैंने बुक कराई, आपने देखा होगा फेसबुक पे कमेंट आया होगा, 1.5 करोड़ की गाड़ी अभी इसी एसलीपीएस से 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके सामने आने वाली है। लोगों को पता नहीं चलेगा, आपको बता दूं ये पूरे बनारस की सबसे महंगी कार होने वाली है, नहीं यूपी की सबसे बड़ी महंगी कार होने वाली है, कि पूरे यूपी में जगुआर एक्सेल कोई मेंटेन नहीं करता। हिंदुस्तान के टॉप 2-4-5 सेलिब्रिटी हैं जिनका भी मैं नाम ले रहा था, वो लोग जगुआर मेंटेन करते, वो भी XC XF मॉडल। तो आप खुद सोच सकते हैं जिस इंडस्ट्री ने, जिस काम ने जीरो से सफर शुरुआत करके अगर इतने आगे तक पहुंचा दिया, क्या लगता है ये कोई छोटा मोटा काम है क्या? छोटा मोटा काम है क्या? काम बहुत बड़ा है। आप कितनी गहराई से इसको लेते हो ये सोचना आपको है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस फंक्शन में आते हैं, बहुत सारे लोग के दिमाग में चल रहा होगा यार पता नहीं ये क्या चल रहा है, पता नहीं यहाँ क्या बातें हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त इतनी आसानी से 70 करोड़ रुपए अगर भेजे में जाना होता तो उम्र तो 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, कितने लोगों की गुजर गई होगी आज तक, पता नहीं कितनी बार समझाने की कोशिश किसी ने किया होगा, समझ में नहीं आई। यस या नो? यस या नो? लेकिन एक क्लिक अगर मार देते हो, एक बार अंदर बात बैठ गई
मुझे पता है बहुत सारे एडवाइजर भी यहां पे होंगे जो बिजनेस को ज्वाइन कर लिए होंगे लेकिन अंदर से भी शक में चल रहे होंगे। आ तो गया हूं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। ये पहले वाले भी ऐसे ही प्रोग्राम किया करते थे, ऐसे ही बुला लिया करते थे। तो क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं हुआ, ये सब गायब हो गए ऐसा लग रहा होगा। हाँ या ना? यस या नो? ऐसा लगता है। और शक जो बनी हुई है ना 10%, 20%, 30%, वो भी अपना उत्तराखंड का एक बंदा आया हुआ था ना, कहाँ गया? जेपी जी बोला सर सिल्वर बन गया तब भी भरोसा नहीं, गोल्ड बन गया तब भी भरोसा नहीं, प्लेटिनम बन गया तब भी भरोसा नहीं, एमराल्ड बन गया तब भी भरोसा नहीं। अरे शुक्र मना डायमंड पे तो भरोसा हो गया, नहीं तो कई ऐसे लोग हैं साले उनको डबल डायमंड पे भी भरोसा नहीं होता। समझ आ रहा है? तो ऐसे भरोसे न करने वाले के ऊपर भगवान भी भरोसा नहीं करता। बोला साले तेरी करियर मैंने इसलिए बर्बाद कर दी क्योंकि जब तू इतनी बड़ी अचीवमेंट पे भरोसा नहीं कर रहा था तो मुझे भी लगा साले इसके साथ किसी का करियर बर्बाद नहीं होने देंगे, मैंने भी तेरे ऊपर से भरोसा हटा दिया। भगवान भी हटा देगा भरोसा, करना तो पड़ेगा। दोनों पहलू को सोच के देखो कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को अपना करियर नहीं बनाता हूं तो कौन सा प्लेटफॉर्म है। दुनिया की सच्चाई आपके सामने मैंने रखा, अगर आप सीरियस नहीं लगे तो कब लगोगे? पुरानी बात कुछ और थी लेकिन 2016 से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी यह बात पता चल चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वो प्लेटफॉर्म है जो सरकार के भी जीडीपी में इजाफा करने वाला है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा करियर है। जब जब कुछ नई क्रांति किसी भी जगह पे शुरुआत हुई है ना उसमें तीनों फेज आते हैं। सबसे पहला उसकी स्ट्रगलिंग फेज होती है, रिजेक्शन फेज होता है, तब होता है एक्सप्लोरेशन फेज। ये तीनों फेज आता है। आप याद कीजिए 70-80 साल 90 साल पीछे जाके देखिए जब बैंक के हिंदुस्तान में आनी शुरू हुई थी लोग घर में सोना चांदी गहने और पैसे कोड़ कोड़ के जमीन के अंदर गाड़ के रखा करते थे, बैंकों में नहीं जमा करते थे। यस या नो? क्योंकि एक डर था, बैंकें उस समय भाग जाया करती थी, कितने लोगों का पैसा लेके बैंकें गायब हो जाया करती थी, डर आ गया था लोगों के अंदर। लेकिन जब से रेगुलेटरी फैक्टर आई, नियम बने, आरबीआई आई, तब से आज हालत ऐसी है कि किसी के पास 200 रुपए भी होता है तो बैंक में रखना पसंद करता है, घर में रखना पसंद नहीं करता। चेंज हुआ या नहीं हुआ? जब LIC आई, बीमाएं आई, तो आपने देखा होगा कि जब ये बीमाएं आई थी तो उस समय मैक्सिमम लोग को जाके बहुत डिटेल में समझाना पड़ता था, तू ये कर देगा तो परिवार को ये मिलेगा, तू मर जा, मार मार के दिखाते थे एजेंट, तब जाके बीमा बिकती थी। यस या नो? और किसी भी ऐसे कैसे को उठा के बीमा एजेंट बना दिया जाता था। लेकिन जब से IRDA आई है, क्योंकि सरकार को पता चल चुका था कि ये क्रांति है बीमा, जब से IRDA आई है आज हालत ये है कि लोग जैसे 20-50 हजार रुपए कमाते पूछते हैं भैया बीमा कराया या नहीं कराया। आया नहीं दौर? अरे चेंज हुआ? हुआ। तो अभी तक तो हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में लूट खसोट ही किया गया था मेरे दोस्त, ये लूट पाट अब बंद हो चुकी है। अब नेक नियत रखने वाली भी ऐसी कंपनियां आ चुकी है जहां पे वाकई में रियल मायने में अगर विश्वास के साथ अगर आप करियर लगाते हैं तो लाख की बात छोड़ दो या दो दो लखपति बन के छोड़ दिए, अरे भाई डेढ़ सौ बार लखपति बन जाओगे, डेढ़ दो दो करोड़ की इनकम कैसे आ जाएगी पता नहीं चलेगा, इतनी बड़ी ताकत इस प्लेटफॉर्म में। समझ के तो देखो, समझ के तो देखो और सीरियसली लग के तो देखो। हम सारे लोग अपनों से प्यार करते हैं, करते नहीं करते हैं? करते हो? इधर वालों, पीछे वालों, इधर वालों, करते हो ना? तो अगर अपनों से प्यार करते हो तो अपनों की कसम आज के बाद यह सोचना छोड़ देना कि मेरा क्या होगा। तेरे कभी भी पैसे कमाने वाले लोग सुख नहीं करते, उसकी परिवार वाले सुख करते हैं। और मैं ज्यादा दिन नहीं बोलता हूं, ये तो मार्केट की बातें हैं। 3 साल तक तन मन और धन सब कुछ झोंक के अगर इस प्लेटफॉर्म में लग गए तो कोई भी इस बात को गारंटी दे या ना दे, आपके सामने अमित दुबे इस बात की गारंटी देता है कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपया सबके अकाउंट में आने वाला है। ये ताकत है SLPS वेलनेस की। क्या आप कर सकते हो? कर सकते हो?
आग लगा दो, वैसे आग तो आपने लगा ही दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब आपके टीम में जयदेव विद्यानंद जैसे लीडर हैं, मिस्टर रवि गुप्ता जी जैसे लीडर है, जिन्होंने हिंदुस्तान एमएलएम का एक नया मोड़ बदल के दिया है। लोग तीन तीन साल में सोचते थे यार करोड़ रुपए कमाएंगे, ये आपके लीडर दो दो साल एक एक साल के अंदर करोड़पति खींच के खड़े हो जा रहे हैं। लोग 12-12 महीने में 10-10 लाख 15-15 लाख की टेस्टिमनी बता के गए हैं। ऐसे लोग जो चौथी पास थे, वो लोग जब 1.5 लाख की टेस्टिमनी पर मंथ की बता के गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे प्रोग्राम देखने के बाद भी आपको कुछ समझाने की जरूरत है। और अगर आप भी पूरे प्रोग्राम दिखने के बाद भी अगर आपको कुछ समझाने की जरूरत है, तो घर जाके एक ब्लेड उठाना, काट के चेक कराना, सलाई खून है नहीं पानी है क्या है, चेक करना पड़ेगा। चेक तो करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इतनी चीजें लाइव देखने के बाद भी अगर दिल में आग नहीं लगती, परिवार के प्रति प्यार नहीं उमड़ता, तो मुझे लगता है इसको चेक करने की जरूरत है। यस या नो? चेक करना पड़ेगा। ये जो लाल रंग की चीज शरीर में बह रही है, वो कुछ और तो नहीं, कहीं जहर तो नहीं हो गया, दिमागी कुराफाते तो नहीं आ गई, ये बात चेक करना पड़ेगा। और चेक करके जब भरोसा हो जाए कि नहीं आइटम ओरिजिनल है, और तब पूरी ताकत पूरी शिद्दत से इस प्लेटफॉर्म में झोंक देना। मत सोचना कितने घंटे सोना है, मत सोचना कितने घंटे काम करना है, तब तक अपन लोग काम करेंगे जब तक यहां बैठा हर एक इंसान सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तब तक रेस्ट नहीं मारेंगे। अपलाइनों की तरफ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे आपके तो ऐसे ऐसे अपलाइन हैं जो 4 करोड़ की टेस्टिमनी के बावजूद भी आज ग्राउंड में 24 घंटे भागते रहते हैं। ऐसे अपलाइन एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर कहीं नहीं मिलते। आज आपको मतलब मैं बता दूं, आप कभी भी फेसबुक खोल लो, व्हाट्सएप खोल लो, ट्विटर खोल लो, हर जगह एसलीपीएस ही दिखाई दे रही है। यस या नो? अपनी तो हालत ऐसी, अभी मैं एमपी में गया हुआ था, और जैसे मैं फ्लाइट से उड़ा, मैंने लिखा गोइंग टू जबलपुर, तब तक मेरे पास 4-5-6 फोन आने शुरू हो गए। बोले सर आप हो कौन? मेरा अपलाइन फोन करके बोल रहा है कि अमित दुबे नाम का कोई बंदा आ रहा है, साला उसे मिलना मत, ऐसी हालत हो चुकी है। या ना? Yes. शिद्दत से लगे रहोगे जिंदगी जरूर बदलेगी, और डाउट से लगे रहोगे कभी नहीं बदलने वाली। तब मत बोलना मुझे बताया नहीं गया था। अंदर डाउट मत रखना 1% भी। मैं आपको वाकई बताऊं, पता नहीं आप अपने अपलाइनों को जानते हो नहीं जानते हो अच्छे से, लेकिन मैं इन लोगों के साथ काम किया हूं, मैं इनको दिल से जानता हूं। ये ऐसे लोग हैं जो जान दे सकते हैं काम के लिए, ये ऐसे लड़के हैं, ये ऐसे लोग हैं। अगर इनका दामन आपने पकड़ लिया, अगर इनका साथ आपने पकड़ लिया, तो अगर आप 10 घंटे इनके लिए तैयार हो ना, ये ऐसे लोग हैं जो 20-20 घंटे काम करने के लिए रेडी है या नहीं है? यस या नो? अरे जब प्लेटफॉर्म अच्छा है, अपलाइन अच्छा है, तो एक सवाल लास्ट आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे हो? भागोगे तो नहीं? हिलोगे तो नहीं? लोग बोलते हैं, लालच भी लोग देंगे आपको, फलना जगह आजा, टॉप आईडी दे दूंगा, ये कर दूंगा। क्या लगता है वो लालच मेरे पास नहीं आते होंगे? आते होंगे नहीं आते होंगे? भाई आपके पास तो छोटे लालच आते हैं, हमारे पास तो मर्सिडीज जगवार सीधे आते हैं। आते होंगे नहीं आते होंगे? लेकिन एक ही चीज माना था कि पैसा क्यों लोग बेवकूफ बना के नहीं, यहाँ पे लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी नियत है, तो लालच किसी का काम नहीं आएगी। जब लोग जिसके साथ खड़े हो, तो भैया लालच में कोई 1 करोड़ रुपए दे सकता है। अगर आपका साथ रहा, तो आने वाले 5 साल के अंदर एसलीपीएस का 18 लेवल क्रैक करके 70 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लालच कोई काम नहीं आएगा। तैयार हो सारे लोग? जोश है, एनर्जी है? तो आज के बाद हम बता दें कि ये अचीवर डे पहली शुरुआत है, आने वाले समय में डायमंडों की भी मीटिंग करेंगे, तो इससे बड़े हॉल में होगी। यस या नो? एक और मैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, जब हमने बनारस में शुरुआत किया था, तो एक टारगेट था कि 100 डायमंड पूरे करेंगे, 90 डायमंड हो चुके हैं, और 29 नवंबर को एक महासंग्राम होने वाला है, महाशो होने वाला है आपके दिल्ली के धरती पे, हिंदुस्तान एमएलएम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शो, 20,000 लोगों की शो करने वाली एसलीपीएस, 20,000 लोगों की शो। और दोस्तों, उस 20,000 के शो में
अगर अपन लोग 100 डायमंड लेके ना जाए तो मजा नहीं आएगा, हाँ या ना? यस या नो? सर ने बोला तेरे कितने लोग आएंगे, मैंने बोला ये हिंदुस्तान के बनारस वालों के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि अगर 20,000 का शो होगा तो साला 6,000 लोग तो अपने बैठने ही चाहिए, बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं? यस या नो? तैयार हो? हिम्मत है? जज्बा है? हिलोगे तो नहीं? काम करने के लिए तैयार हो? तो मेरे दोस्त पूरी ताकत लगा देना, अपलाइन होकर तरफ से कोई कमी नहीं होगी, साला खून की भी अगर जरूरत पड़ेगी ना एक फोन कर देना, ओ पॉजिटिव तेरे लिए तैयार है, खून खून देने के लिए तैयार है, मैं ऐसे काम करता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा SLPS के इस कर्मठ टीम को। मैं आपको रियल बताऊं, एक सीक्रेट है जो मैं अभी तक बोलना चाह रहा था बोल नहीं पा रहा था, बोल दूं मेरे पूरे 40,000 की टीम में आज जो जोश आप लोगों ने दिखाया है अभी तक मुझे देखने का मौका नहीं मिला था, और ये इस बात का प्रूफ है, ये इस बात का प्रूफ है कि आने वाले समय में ये जो टीम है, ये अवधेश नारायण जी की टीम, राम नारायण गुप्ता जी की टीम, जयदेव जी की टीम, ये जो टीम है ये अपनी टीम की बात छोड़ो, मुझे लगता है SLPS को टक्कर देने वाली है। यस या नो? दे सकते हो? दे सकते हो? दे सकते हो? दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक बार फिर से चाहूंगा हमारे लिए हर हर महादेव बोल देना, एक ताकत एक आगाज के साथ काम की शुरुआत करते हैं, हर हर महादेव। थैंक यू।